हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सोनू कुमार आप लोगों के लिए क्लास टेंथ साइंस ऑब्जेक्टिव टेस्ट मोस्ट वीवीआई 20 ऑब्जेक्टिव लाया हूं। आप लोगों को देखता हूं आप लोग कितने ऑब्जेक्टिव सही कर पाते हैं। आप लोग ईमानदारी से कमेंट में बताइएगा कितना आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सही हुआ, और मैं सभी लोग का ऑब्जेक्टिव जो कमेंट में करिएगा सभी लोग का पढ़ूंगा। हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर ए है पीला, बी हरा, सी उजला, डी काला। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ईमानदारी से आप लोगों को बताना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उजला। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नंबर टू, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए तांबा, बी गोल्ड, सी जिंक, डी पोटेशियम। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोल्ड, ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, गोल्ड हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर थ्री, हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर थ्री है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आई, बी एम जी, सी एफ और डी जेड एन। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एफ। आप लोगों के पास 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड में आप लोगों को आंसर बताना है। हमारा इसका सी आंसर हो जाएगा। और हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बिंदु डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। ऑप्शन हमारे पास चार है। ऑप्शन नंबर ए है गुलाबी, बी नीला, काला और सी नीला, डी काला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीला और काला। हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर फाइव आ गया, जंगरोधी स्टील क्या है। इसका हमारा जंगरोधी स्टील क्या है? ऑप्शन नंबर ए धातु, बी अधातु, सी मिश्र धातु और डी ए और बी दोनों। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु, जंगरोधी स्टील मिश्र धातु का होता है। और हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर सिक्स हो जाएगा क्लोरीन की संयोजकता क्या है। ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, यही 2024 में ये वाला आ सकता है। मतलब मेरे को पूरा विश्वास है कि क्लोरीन की संयोजकता क्या है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, क्लोरीन की संयोजकता क्या है। क्लोरीन का संयोजकता सी हो जाएगा इसका आंसर, -1। ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इसको आप कैसे भी दिमाग में रखिएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर सेवन है, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है। ये क्रियाशील मूलक ऐसे ही 5-6 मेरे पास है, 7 मैंने नोट कर रखा है। आप लोगों को कमेंट करिएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सबको फोटो खींचकर, और उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा -1 ए ऑप्शन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 8 क्वेश्चन है हमारा, कार्बन के कितने अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, सी 5 एंड डी 6। इसका हमारा आंसर सही हो जाएगा डी 6। ग्लूकोज के कार्बन के कितने अणु होते हैं? 6। और नेक्स्ट हमारा 9 नंबर, बेंजीन का ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इसको भी आप लोग दिमाग में रखिएगा, ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है 2024 के लिए, ये भी फिक्स मेरे तरफ से रहेगा। इसका क्वेश्चन है, बेंजीन का आणविक द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर ए 72, बी 180, सी 78 और डी 82। इसका आंसर हो जाएगा सही सी 78। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 10, निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है। इसका ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर, बी खड़िया, सी संगमरमर, डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका हमारा आंसर सही हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी नंबर। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है, तैलीय कागज होता है। ये भी थोड़ा बहुत हमको लग रहा है, ये भी बहुत मस्त ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा पारदर्शक, ऑप्शन नंबर बी अपारदर्शक, सी पारभाषक, डी कोई नहीं। आप लोग फटाक कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा पारभाषक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा आ गया, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है।
स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए लाल, बी हरा, सी पीला, डी बैंगनी। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैंगनी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा 13 नंबर, किसी लेंस की क्षमता -2D है। किसी लेंस की, ये भी मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव है, किसी लेंस की क्षमता -2D है, इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन नंबर ए 0.5 मीटर, बी 0.5 cm, सी -0.5 cm, डी -0.5 मीटर। डी हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.5 मीटर। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है 14 नंबर, एक MW के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 हेक्टेयर। ये भी मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव है। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है ऑब्जेक्टिव नंबर 15, ऑक्सीन है ये भी लगभग 2011 से लेकर 2023 तक, अभी तक लग रहा है 23-22 तक लगभग 10-8 बार तो आ गया होगा। ये भी मोस्ट वी है। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी एंजाइम, डी हार्मोन। ऑक्सीन है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हार्मोन। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 16 आता है ऑब्जेक्टिव, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए है वसा, बी प्रोटीन, सी ग्लूकोज और डी प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है 17 नंबर ऑब्जेक्टिव है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये थोड़ा सा अलग ऑब्जेक्टिव है, देता है ऐसे भी करके, स्त्री में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें डरना नहीं है, ध्यान से पढ़कर क्वेश्चन को टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए 23, बी 26, सी 28, डी 14। इसका हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है 18 नंबर, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। 1, 2, 3, 4 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को कहा जाता है, कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एरिस, बी सुरंगम, सी अहार, डी खादिन। हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा एरिस, ऑप्शन नंबर ए एरिस सही हो जाएगा, कर्नाटक के जल संग्रह स्थान को कहा जाता है एरिस। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नंबर 20, अपघटक का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए क्वाक, बी बाघ, सी बकरी, डी हरे पौधे। अपघटक का उदाहरण है, हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वाक। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने कितने ऑब्जेक्टिव सही किया, ईमानदारी से बताइएगा। आप लोगों को कमेंट में यह भी बताइए कि आप लोगों को सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव भी ला दूंगा, वो भी 20 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।